फ्रेंड चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे BLS इम्पोर्टेज के बारे में। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों BLS इम्पोर्टेज के बारे में बात करते हैं। देखो 3.33 रुपए का आज हाई भी बनाया था, 3.08 रुपए का लो भी बनाया था, 3.14 रुपए पर इसने क्लोजिंग दिया, 52.52 रुपए वहां से ये सेल लगातार क्रेश होकर 3 रुपए आगे है। देखो दोस्तों कंपनी जितना क्रेश होनी थी हो गई, और यहाँ पर देखो सितंबर से इसने एक बॉक्स बना रखा है, इसी बॉक्स में ये तैर रही है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। तो ऊपर की लेवल में हो तो आप एवरेज भी कर सकते हो, फ्रेश इंटेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट थोड़ा लॉन्ग टाइम का नजरा, क्योंकि अभी इस टाइम पर पेन स्टॉक नहीं चल रहे ना, इस वजह से थोड़ी डिटेल और ले लेते हैं। देखो सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 3.25 रुपए, 3.20 रुपए, 3.14 रुपए ऊपर के रजिस्ट्रेशन है, 3.36 रुपए, 3.42 रुपए, 3.47 रुपए। देखो इस शेयर ने बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया, माय गॉड देख लो बहुत ज्यादा रिटर्न दिया। आज मार्केट में 3 लाख शेयर आए थे, कल 4 आ गए, 3 लाख ले गए, 11 लाख, 7 लाख, यानी 80 से 90% माल है, लोग घर पे लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और प्रमोटर के पास में हिस्सेदारी भी दबा के है भाई, 59-60% की हिस्सेदारी है, कंपनी पूरी स्टेबल है भाई। 8 रुपए का शेयर 3 रुपए आ गया, फिर भी प्रमोटर ना हिल रहे ना डुल रहे, कुंडली मार के कंपनी में बैठे हुए है, तो ये मान लो कि कंपनी में बहुत बड़ा होने वाला है। प्रमोटर हिल ही नहीं रहे भाई, क्या कर रहे हैं प्रमोटर, 60% की हिस्सेदारी है प्रमोटर के पास में। और यहाँ पर देखिए ना, वीकनेस कंपनी में 4 है, स्ट्रॉन्ग 7 है, अपॉर्चुनिटी मौका अवसर गोल्डन चांस 2 है, टेरिस कुछ नहीं है कंपनी में। और इंडिकेटरों की बात करें, पॉजिटिव इसमें 9 हो गया है और नेगेटिव इसमें 11 हो गया है, मतलब अभी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है इसमें, नेगेटिव साइज दे रहा है। और यहाँ पर देखो बेरिश 10 है, बुलिश 6 है, मतलब शेयर है बुलिश आने लगा है, बाइंग सिग्नल देने लगा है। अगर इंडिकेटरों की बात करें तो बुलिश आ रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पर डील देख लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर 15 फरवरी 2022 को ही सेल हुई है, वरना इसके बाद में कोई भी अपन को मंगल ग्रह का तांडव वगैरह नहीं देखने को मिला है 2 फरवरी के अंदर से। और यहाँ पर देख लिया, अब देखो दोस्तों इसका फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। मात्र 136 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पीए देखो इसको 13744 है, मतलब पीए बहुत ज़्यादा हो गया है, 13744 हो गया है। आरओई 0.02 है, आरओई कुछ नहीं है, डेप्ट नहीं है, प्लीज नहीं है, प्रमोटर के पास में 59% की हिस्सेदारी है, डीए वाली नहीं है, एफआई वाली नहीं है, वॉल्यूम भी हो रहा है, अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं है, रिजर्व है 1 रुपये, कंपनी में केस नहीं है, बल्कि 3 करोड़ का माइनस में रिजर्व है, एसेट पड़ा है 7 करोड़ का, लाइब्रेटीज मात्र 10 लाख की है, क्वार्टर सेल्स इसकी हो नहीं रही है, और सेल्स ग्रोथ 700% है, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कुछ नहीं है, टोटल एसेट है 40 करोड़ का, बुक वैल्यू है 93 पैसा, करंट प्राइस है 3.14 रुपए। तो फ्रेंड्स कंपनी देखो यहाँ पर देखिए तो डेट फ्री कंपनी है, प्लीज नहीं है, कंपनी में केस नहीं है, एसेड है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यानी कि ये सब चीज़ें हैं। अब आपको क्या कर, देखो दोस्तों इसका पीए है बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, दूसरी बात कंपनी देखो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी भाई, जाना होती तो कब का ये लेवल तोड़ देगी, तो ये लेवल है बिल्कुल तोड़ने वाली नहीं है कंपनी, ध्यान रखना। तो आपके पास में है तो आप एक बार टाइटली आप होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टाइम का नजरिया रखो, कभी भी पेनी स्टॉक में अपर सर्किट की रैली देखने को मिल जाएगी, तो अगर ये अपर सर्किट में जाता है तो पहला टारगेट इसका 6 रुपए ही होता है, तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का नजरिया रखो, अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल के दे देगी कंपनी। क्योंकि देखो अभी मार्केट में क्या है, पेनी स्टॉक चल नहीं रहे, इस वजह से बस यही हो रहा है, बट सभी के पास में माल बहुत ज्यादा, देखो वॉल्यूम ग्रीन वॉल्यूम बहुत है, रेड वॉल्यूम कुछ है, मतलब कंपनी के मालिकों ने, प्रमोटरों ने, पब्लिक ने माल है पूरा दबा रखा है, बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप टाइटल होल्ड करो, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का नजरिया रखो। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू।